गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो अबाउट सेल। तो ए वीडियो रे हमें जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखिया, सेल रो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन रे हमें कौन देखिया, सेल कौन, तार डेफिनेशन, हमें अकरेंस कौंठी सेल पाउचे, कौन कौन जगह रे, आ तार हिस्ट्री विषय टिके जानिबा। सो स्टार्ट करिबा। तो हमर ए जो फोटो डी देखुछ तमे जानिथियो सब, ए फोटो रे जे अछंती से हेले हमर रोबोट हुक, जाको हमें कहूचे फादर ऑफ साइटोलॉजी बा सेल बायोलॉजी। आउ तुमर जोति आमे कहिबा सेल विषय रे, जे सेल की डिस्कवर्ड करथिले तुमे रोबोट हुक को ना जानिछ, जे सेल डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक। ओके, तो फर्स्ट जति आमा माइंड रे आसीबो सेल कोन, तो सेल आमे कहूचे जनरली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आउ जोंटा कहूथि तेरी ना मेड अप ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट, आ ताको कवर करके रहुची किए तुमर डेलिमिटेड बाय सॉरी अच्छा डेलिमिटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आम जब देखा गोटे कवरिंग करके रोचे तुम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आउ भीतर कौच कौन मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म, जो भीतर मासटा जो एरियाटा रहा भितर से कहे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मिसला बेलू टोटालटा को कहे प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो ये जो सेल आम कौन कौन ना सेल रहा सेल्फ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी थी इंडिपेंडेंस है। तो जनरली आम स्टडी करवा जब सेल विषय रे तार स्ट्रक्चर कंपोजिशन विषय जब आम स्टडी करवा कहू साइटोलॉजी, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड तुम कंपोजिशन विषय जब आम स्टडी करवा कंपोजिशन आम कह तार साइटोलॉजी। आ कौटी कौटी तुम देखि थोक आम कहे सेल बायोलॉजी टर्म तुम शुणी थो सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी कहले कौन बुझा ना सेल बायोलॉजी आम जनरली स्ट्रक्चर भी देखा फंक्शन भी देखा, जनरली स्ट्रक्चर सहित आम तार केमिकल कंपोजिशन जोटा आम कहे तार केमिस्ट्री विषय जानवा, तार केमिस्ट्री विषय जानवा, केमिस्ट्री तार जेनेटिक्स, तार डिफरेंट टाइप रो लाइफ प्रोसेसेस लाइक फिजियोलॉजी डेवलपमेंट एजिंग इवोल्यूशन एगुड़ा विषय आम तार देखा। तो जदि से विषय देखा ताको आम कह सेल बायोलॉजी, कौन कहे ना सेल बायोलॉजी। तो तुम बुझीपारे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी डिफरेंस कौन, साइटोलॉजी जनरली आम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन विषय देखु, किंतु सेल बायोलॉजी आम कौन देखु ना तार स्ट्रक्चर केमिस्ट्री जेनेटिक्स लाइफ प्रोसेसेस लाइक एजिंग इवोल्यूशन फिजियोलॉजी एगुड़ा विषय देखु। तो ये आम माइंड रे क्वेश्चन आसला जे सेल केमती बेसिक यूनिटा जदि आम देखा सेल, तेणु सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने से माने कौन थ्री तैयारी ना सेल रु तैयारी, सिंगल सेल हो पारे बा तुम मल्टी सेलुलर भी से पारती, तेणु ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल रे होची ताको हम यूनिसेलुलर कहे बा ए सेलुलर भी आम कहीपर, जनरली सिंगल सेल रे हेले ताको हम यूनिसेलुलर कहवा बा ए सेलुलर भी आम कहीपर।
तो हम मोर देन वन सेल जितने गोटे ऑर्गेनिज्म तैयारी होजी ताको हमें कुजे मल्टीसेलुलर मल्टीसेल सिंगल सेलुलर भितर तुम यूनिसेलुलर जोटा आम कहे भितर जेनराली तुम कौ मैंने जाऊँ जेनराली तुम तर जी बैक्टीरिया एमोइबा ईस्ट ये सब तर जी और मल्टीसेलुलर तुम सब जानपार जेनराली तुम जो क्लासिफिकेशन आम देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भितर मेटाफाइटा माइकोफाइटा मेटाजोआ जिते गुड़ा जिते सब एनिमल अच्छा से मैंने सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे जीवे किंतु जदि आम देखा स्ट्रक्चरली जदि भाइरस भिरीयड बा प्रियन कथा कहिबा से माने जनरली ए सेलुलर से माने जनरली तुम कौन ना ए सेलुलर माने से मानकर सेल ही न थाए ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आम देखा आम जो कौचे ह्यूमन बा गोटे जदि आम देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कथा कहवा एम सब बिलियंस ऑफ सेल रे तैयारी मेनी सेल बिलियंस ऑफ सेल रे तैयारी गोटे आम गोटे सिंपल जिनस जदि आम गोटे ड्रॉप ऑफ ब्लड जदि आम देखा आम बॉडी रु जदि गोटे ड्रॉप ऑफ ब्लड देखा तुम से गोटे माने देखा पाइब जे माने तुम जदि आम गोटे कंसीडर करवा ड्रॉप ऑफ ब्लड सेटार भी मिलियंस ऑफ सेल थाए ताने आम कही पार जे गोटे गोटे माने जिते बड़ ऑर्गेनिज्म हम तार सेल साइज से बड़ हो पाए सेमती नहीं सी ऑर्गेनिज्म बड़ हेले सीए तार बहुत गुड़ा सेल थिबो माने बिलियंस ऑफ सेल बा ट्रिलियंस ऑफ सेल थिबो सब माने साइज बड़ न हो पारे किंतु मिलियन बा बिलियन ऑफ सेल थाई पारे तो बॉडी रे तो जदि आम देखा ह्यूमन बॉडी पखापाखी आम बॉडी रे 200 टाइप्स ऑफ सेल अच्छी केते सेल अच्छी ना पखापाखी 200 टाइप्स ऑफ सेल अच्छी मैंने माइंड आस 200 टाइप्स कौन कौन केमती टाइप सेल अच्छी जनरली आम बॉडी जमी आम कहे रेड ब्लड सेल तुम एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल तुम आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एपिथेलियल सेल मसल सेल नर्व सेल फैट सेल कार्टिलेज सेल बोन सेल एमती डिफरेंट टाइप सेल अच्छे आम बॉडी जर्मिनल सेल पिगमेंट सेल एमती अच्छे तो यदि आम देखा ये जो सेल आम बॉडी आम सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सब सेल सब मिसिक कौन बनाऊँगी आम गोटे स्ट्रक्चरल हायरार्की देखा सेल रु कौन हो नेक्स्ट स्लाइड रे देखा देख मुझे तुमको गोटे स्ट्रक्चरल हायरार्की देती जनरली सेल गुड़ा सब गोटे टाइप सिमिलर टाइप सेल एम सब मिसिक कौन बनाऊँ तुम सेल रु जनरली टीस्यू सेल रु आम कौन हो टीस्यू हो टीस्यूरु ऑर्गन माने सिमिलर टाइप ऑफ टीस्यू से सब मिसी गोटे ऑर्गन ऑर्गन रु गोटे ऑर्गन सिस्टम लाइक मुझे तुम कह डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रिटरी सिस्टम से डिफरेंट टाइप ऑर्गन को लेकर तो एमती डिफरेंट टाइप ऑर्गन सिस्टम मिसिक टोटल गोटे ऑर्गेनिज्म होटे ऑर्गेनिज्म हो तो सेमती तुम दिखाई आम प्लांट देखा सेल टीस्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म एमती टाइप से मानकर स्ट्रक्चरल हायरार्की जदि आम देखा तो से कौन हो सेल सब मिसिक ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट तरह डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर मीन्स माने से माने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिसी जो ऑर्गन बनाई से माने ऑर्गन माने पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप वर्क करुचंती ऑर्गेनिज्म बॉडी रे डिफरेंट टाइप वर्क करुचंती तो जनरली आम गोटे आउ गोटे क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक देखा सेल्स आर जनरली तुम टोटिपोटेंट टोटिपोटेंट तुम्हें ये टर्मटा आगर शुणी थी टोटिपोटेंट टोटिपोटेंट कौन कहवा ना गोटे सिंगल सेल कौन करे ना तार एबिलिटी अच्छी से गोटे होल ऑर्गेनिज्म को तैयारी करि पारिबो गोटे इट कैन फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म सब सिंगल सेल रे तार जितिक टाइप क्रोमोजोम रहिबा कथा सब इंडिविजुअल सेल रे गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे थाए तेणु एटा आम सेल थ्योरी रे भी पढ़ा आगकू
ए न्यू सेल ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। गोटे सेल सबुबले गोटे प्री एग्जिस्टिंग सेल रु डेवलप हुए। तो सेल थ्योरी आम जो आग को पढ़ा तुम जो सेल थ्योरी तुम अच्छी से तुम पढ़व एटा जो रुडल पार्चू तुम कौन देता विषय तुम से जान। तो टटी पटेन्सी कहले जो जिनसा तुमको कहली गोटे सिंगल सेल्र एबिलिटी थी गोटे होल ऑर्गेनिज्म को बनवापी ताक टटी पटेन्सी। तेणु तापर आम देखा जब डिस्कवरी कथा आम देखा तुमको ऑलरेडी मुझे कहली सेल्र डिस्कवरी कौन ना सेल तुम कौन थे तुम सरी डिस्कवरी आम फास्ट मुझे कहली तुम रॉबर्ट हुक से जो इंग्लिश साइंटिस्ट से डिस्कवर्ड करते कॉइन करते टर्मटा तर फास्ट से जो मैंने यहाँ एक्चुअली ऑब्जर्व करते कौटी तुम कर्क कर्क बॉटल कर्क सेल रे से गोटे निजर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखी आ बुक रे सेटा पब्लीश करते बुकटा से माइक्रोग्राफिया बोली गोटे बुकटा से पब्लीश करते। तो हिसाब से लैटिन वर्ड ये जो सेल कौच लैटिन वर्ड सेलुलारू से डिराइव करते लैटिन वर्ड कौन कहली ना सेलुला मीनिंग लिटिल रूम और चेम्बर ताकने कौन कहले ना चेम्बर और लिटिल रूम। देन अगेन तापर तुम्हें एभी लीवेनहुक ना शुणी थी से जड़े डच साइंटिस्ट से लिविंग सेल फास्ट तुम ऑब्जर्व कले कौटू ना टाटार ऑफ टीथ तुम एरिथ्रोसाइट स्पर्म सेल युवा सब लिविंग सेल को सी फास्ट ऑब्जर्व कले एंटोनी वन लीवेनहुक। तापर तुम समस्ते जान रॉबर्ट ब्राउन से भी जन स्कॉटिश बोटानिस्ट से फास्ट कौन डिस्कवर्ड कले ना न्यूक्लियस फास्ट न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कले किए तुम रॉबर्ट ब्राउन। ओके सो एटा हला तुम सेल रो इंट्रोडक्टरी पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो रे हमें सेल थ्योरी विषय रे देखिया।